मैं विशाल नंदा आपको ब्लॉकिंग डायोड के बारे में बताने वाला हूं कि ये जो ब्लॉकिंग डायोड होता है सोलर पैनल में क्यों यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये ब्लॉकिंग डायोड का सोलर सिस्टम में क्या यूज है। ठीक है फ्रेंड, तो ये डायोड देखिए, ये जो मेरे हाथ में है इसी टाइप का होता है। यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सिलिकॉन डायोड का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये शॉर्टकी डायोड का यूज होता है। तो ये डायोड पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए समझने के लिए। तो इस डायोड में आप देखिए, एक साइड यहाँ पे रिंग बना हुआ है सिल्वर कलर का, ये निगेटिव है, और जो पूरा जिस साइड ब्लैक है ये पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड, इस डायोड को देख लिए, अब समझते हैं पूरा सिस्टम को कि आखिर इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि आप देखते होंगे कि सोलर पैनल ले लेते हैं और एक बैटरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिथियम आयन सेल लिए हैं सिस्टम को समझाने के लिए। तो सोलर पैनल का वोल्टेज आपको लिथियम आयन सेल से यहाँ पे ज़्यादा लिया गया है, तभी यहाँ से करंट का फ्लो इस पे हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो लिथियम आयन सेल जो है 3.7 वोल्ट और 2000 mAh का है, और ये जो सोलर पैनल है ओपन सर्किट वोल्टेज इसका 7.5 वोल्ट है, और अंडर लोड में जो वोल्टेज है VMP वो 4.7 वोल्ट के आसपास है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज है तो क्या होगा, करंट का फ्लो सोलर पैनल से बैटरी की तरफ होगा दिन के टाइम में। लेकिन रात में क्या होगा, अगर इसमें कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है जैसे चार्ज कंट्रोलर या ब्लॉकिंग डायोड नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा कि रात के टाइम में यहाँ पे मान के चलिए जिसके ऊपर अंधेरा आ जाएगा, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा सोलर पैनल की तुलना में, तो करंट का फ्लो जो है बैटरी से सोलर पैनल की तरफ होने लगेगा, ये लोड की तरह काम करने लगेगा। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग जो है ब्लॉकिंग डायोड का यूज करते हैं सीरीज में। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले देखते हैं करंट फ्लो जो होता है वो कैसे हो रहा है, उसको समझना पड़ेगा हम लोग को। तो इसका नेगेटिव जो है सोलर पैनल का नेगेटिव लिथियम आयन सेल के नेगेटिव में जोड़ देते हैं। सबसे पहले दोनों के वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में है कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा, तो इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग डीसी वोल्टेज DC 20 पे सेट कर देते हैं और एक एक करके दोनों का वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले सोलर पैनल का वोल्टेज चेक करते हैं, तो ये देखिए 7.4 वोल्ट आ रहा है, और लिथियम आयन सेल का वोल्टेज चेक करेंगे तो ये आ रहा है 3.9 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, यानी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये अंडर लोड में वोल्टेज घटेगा, अभी ज़्यादा दिख रहा है, तो यानी ये सोलर पैनल जो है इस लिथियम आयन सेल के लिए परफेक्ट है। तो इसका नेगेटिव नेगेटिव में जोड़ देंगे। अब जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि सोलर पैनल से करंट का फ्लो इस लिथियम आयन सेल की तरफ होने लगेगा। तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं अमीटर की हेल्प से। इस मल्टीमीटर में जो है DC अमीटर में इसको सेट कर देते हैं 200 mA पे, और यहाँ से हम लोग इसका करंट फ्लो को देखेंगे। करंट फ्लो देखने के लिए इसको फॉरवर्ड बायस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल से ये लिथियम आयन सेल की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये आपको दिखा रहा है 72 mA करंट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए 72.8 mA के आसपास सोलर पैनल से लिथियम आयन सेल की तरफ जा रहा है। तो ये दिन के टाइम में इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉकिंग डायोड का यूज़ करेंगे। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये करंट का फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में होने देता है फॉरवर्ड बायस में। तो इसका सीरीज कनेक्शन करते हैं सोलर पैनल से लिथियम आयन सेल की तरफ। तो इसमें ये जो पूरा ब्लैक कलर का है ये पॉजिटिव सेक्शन है, और जो रिंग है सिल्वर कलर का ये निगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव वाला सोलर पैनल के पॉजिटिव में जोड़ देंगे, और निगेटिव वाला सेक्शन जो है लिथियम आयन सेल के पॉजिटिव में जोड़ देंगे। तो इसका कनेक्शन इसी तरह से होता है। अब क्या है कि ये करंट का फ्लो जो होगा सोलर पैनल से लिथियम आयन सेल की तरफ जाएगा दिन के टाइम में, और रात में क्या होगा कि इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा,
सोलर पैनल का पोटेंशियल कम हो जाएगा सेल की तुलना में, यानी इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा और ये रात तक में चार्ज हो जाएगा, तो करंट का फ्लो उल्टा होने लगता है रात के टाइम में। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग ब्लॉकिंग डायोड लगा दिए। अब क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे मेथड से देख सकते हैं। यहाँ पे सेल में तो पता नहीं चल रहा है कि करंट जा रहा है कि रुक रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो पैनल से लिथियम आयन सेल की तरफ जा रहा है। ये सोर्स हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो यहाँ पे लिथियम आयन सेल की जगह हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि आपको दिखेगा चलता हुआ सिस्टम। इसको भी पैरेलल कनेक्शन इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, ये चल रहा है। अभी इसको ब्लॉकिंग डायोड के साथ जोड़ के दिखाएंगे कि ये कैसे करंट को रोकता है। जब हम इसको रिवर्स कनेक्शन करते हैं तो ये कैसे रोक देता है। तो इसका पॉजिटिव वाला वायर खोल लेते हैं। अभी पहले फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे, यानी सोलर पैनल का पॉजिटिव वाला वायर इसके पॉजिटिव में और इसके निगेटिव में। तो अभी क्या है कि करंट का फ्लो हो रहा है सोलर पैनल से मोटर की तरफ, लेकिन जैसे ही इसको हम रिवर्स कनेक्शन कर देंगे तो ये क्या होगा कि करंट को रोक देगा। इसी तरह ये बैटरी के भी साथ इसी तरह काम करता है। ये मोटर के साथ हो गया, और दूसरा हम लोग देखते हैं बजर के साथ। ये डीसी बजर है, इसमें नेगेटिव वाला इस तरह जोड़ दिए और पॉजिटिव वाला सेक्शन जैसे ही इसमें लगाएंगे तो ये देखिए बजने लगेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग ब्लॉकिंग डायोड के साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए ये काम कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जैसे ही इसको उल्टा कर देंगे तो ये रोक दिया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड ये है कि ये जो बैटरी से सोलर पैनल की तरफ जो करंट जाता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, माइक्रो एम्पियर में। तो ये वाला आमीटर में माइक्रो एम्पियर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दिख नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एनालॉग आमीटर का यूज़ करेंगे। इसमें माइक्रो एम्पियर का है ऑप्शन इसमें, तो इसको हम लोग 100 माइक्रो एम्पियर पर सेट कर लेंगे। यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या करेंगे, इस पैनल के ऊपर इस तरह से ढक देंगे, अंधेरा कर देंगे, और इसका जो कनेक्शन करेंगे लिथियम आयन सेल से सोलर पैनल की तरफ हमको कनेक्शन करना है, तब हम लोग को दिख पाएगा कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला इसमें जोड़ दिए और नेगेटिव वाला इसमें जोड़ देंगे। तो ये देखिए आपका फुल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें जा रहा था। ये देखिए फ्रेंड, फिर से दिखाते हैं, ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी क्या हो रहा है कि ये बैटरी से आपका करंट जा रहा है सोलर पैनल की तरफ, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। फ्रेंड, एक टेस्ट और करेंगे इस एलईडी की हेल्प से। यहाँ पे ये एलईडी 3 वोल्ट का लिए हैं और इसमें एक रजिस्टर लगा दिए हैं जो कि करंट को लिमिट कर सके, नहीं तो एलईडी ख़राब हो सकता है। तो अब क्या होगा कि जब सोलर पैनल पे अंधेरा आ जाएगा तो बैटरी से जो करंट निकल के सोलर पैनल में जा रहा है उसको देखने के लिए इस एलईडी का यूज करेंगे। तो इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे सीरीज में बैटरी से सोलर पैनल की तरफ। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये देखिए कम रोशनी में आ गया है और फिर भी इसके ऊपर और अंधेरा कर देते हैं। तो इसका पॉजिटिव वाला जो है लिथियम आयन सेल का, इसके पॉजिटिव में जोड़ देते हैं, एलईडी के पॉजिटिव में, और
सोलर पैनल का पॉजिटिव इसके निगेटिव में। तो ये देखिए आपका इंडिकेटर ये जलने लगा एलईडी का, मतलब ये हो गया कि लिथियम आयन सेल से करंट का फ्लो सोलर पैनल की तरफ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए एलईडी जल रहा है क्योंकि एलईडी का कनेक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में किए हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो करंट का फ्लो फिर क्या होगा, सोलर पैनल से लिथियम आयन सेल की तरफ होने लगेगा तो ये एलईडी बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं करंट का जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर में हो रहा है इसलिए एलईडी बहुत कम ग्लो कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।